कैसे हैं आप सब लोग। किचन विद नौरीन में मैं हूं आपके साथ। और आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं बहुत ही मज़े की बनती है और ये स्ट्रीट फूड पे बहुत फेमस है। तो आज मैं बनाने जा रही हूं अरबिक पराठा, और इसको मुतबिक भी बोलते हैं। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से बनेगा और बहुत ही जल्दी बन जाता है। तो चलें मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें ली हैं। यहाँ पे मैंने चिकन ले ली है, ये बोनलेस चिकन है, और इसको मैंने घर में ही छोटे छोटे से चंक्स कर लिए हैं कीमे की तरीके से। आप इसका कीमा भी ले सकते हैं और बीफ मटन वगैरह भी ले सकते हैं आप। तो ये मैंने ले लिया है, ये एक फ्ले है मेरे पास चिकन का, और इसके अंदर जाएगा। ये मैंने लिया है हाफ़ टी स्पून ज़ीरे का पाउडर है, हाफ़ टी स्पून मैंने ली है काली मिर्च, और हस्बे ज़रूरत मैंने लिया है इसके अंदर नमक। तो ये चीज़ें जाएंगी इसके अंदर, और हस्बे ज़रूरत इसके अंदर जाएगा तेल, और यहाँ पे मैं डालूंगी इसके अंदर तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर। और जो डो बनाएंगे उसके लिए मैंने ले लिया है मैदा, और मैदा मैंने लिया है 2 कप, और उसके अंदर जाएगा नमक, और 2 टेबल स्पून जाएगा इसके अंदर ऑयल, और यहाँ पे मैंने लिया है ऑलिव ऑयल, आप लोग नॉर्मल वाला ऑयल भी ले सकते हैं। और हस्बे ज़रूरत पानी के साथ हम सॉफ्ट डो बना लेंगे। तो सबसे पहले हम डो बनाएंगे और उसको रख देंगे रेस्ट करने के लिए तकरीबन 20 मिनट के लिए। और चलें स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून के बराबर इसके अंदर डाल दिया है ऑयल, नमक डालूंगी इसके अंदर मैं, और इसका सॉफ्ट डो बना लूंगी मैं। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं, तो आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा, और काफ़ी फेमस पराठा है ये। तो ये देखें डो तैयार हो गई है, ये देखें इस तरह से, ये बिल्कुल नॉर्मल जिस तरह से हम डो बनाते हैं ये वैसी बन गई है। तो अब मैं इसको रखूँगी कवर करके, और इतनी देर में हम बना लेंगे अपनी चिकन। तो यहाँ पे मैंने पैन को गर्म कर लिया है, अब उसके अंदर मैं डालूँगी ये ऑयल, और ऑयल के अंदर मैं डालूँगी ये चिकन। और इसको कुक करूँगी मैं मीडियम फ्लेम पर, जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता, जब तक हम इसके अंदर मसाले वगैरह नहीं डालेंगे, और ऑयल इसके अंदर हमने बहुत कम रखना है, क्योंकि ये हम पराठों की फिलिंग तैयार कर रहे हैं। ये देखें इसका कलर जो है वो ऑलमोस्ट चेंज हो चुका है। तो अब मैं इसके अंदर डालूँगी ये ज़ीरा पाउडर, ये नमक और काली मिर्च, इसको करूँगी अच्छे से मिक्स। ये देखें इसका पानी जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो ड्राई हो गया है। तो अब मैं इसके अंदर डालूँगी, ये वर्स्टेशायर सॉस है, 1 टीस्पून डालूँगी, और अगर आपके पास ये ना हो तो आप इसके अंदर 1 टीस्पून सोया सॉस भी डाल सकते हैं। और ये बहुत ही छोटे छोटे से इसके चंक्स हैं, तो ये बहुत ही जल्दी ऑलमोस्ट ये पक चुका है। तो अब मैं इसके अंदर डालूँगी, ये एक मीडियम साइज़ की प्याज है मेरे पास, और मैंने इसको ऑमलेट कट काटा हुआ है, बस इसको डाल के हमने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस इसको हम पकाएंगे 1 मिनट। तो ये देखें ये तैयार हो गया, और इसका चूल्हा मैंने कर दिया है बंद। ये देखें प्याज को बस हमने इसी तरीके का रखना है इसके अंदर, और अब मैं इसको निकाल लूँगी एक बोल के अंदर। तो ये देखें इसको जो है मैंने अभी, वैसे ये ठंडा तो नहीं हुआ है, लेकिन थोड़ा ये है कि इसकी स्टीम वगैरह निकल गई है। तो अब इसके अंदर मैं डालूँगी हरी प्याज, ये मैंने 2 हरी प्याज ली हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं थी मेरे पास, तो ये मैंने 2 ली हैं, और उसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। और यहाँ पे मैंने लिया है ये हरा धनिया, ये भी मैंने एक मुट्ठी जैसे होता है ना वो लिया है, और इसके अंदर आप हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर बच्चे वगैरह खाएंगे तो आप इसको स्किप कर दें हरी मिर्च को, तो मैं भी नहीं डाल रही हूँ। तो इसको डाल के मैं करूँगी मिक्स। तो यहाँ पे मैंने ले लिए हैं 2 अदद अंडे, और इसको मैं थोड़ा सा ब्रेक कर लूँगी इस तरह से, और ये भी मैं इसके अंदर डाल दूँगी, इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये देखें डो को मैंने इस तरह निकाल के थोड़ा सा नीट कर लिया है, और अब मैं बनाऊंगी इसके छोटे छोटे पेड़े,
और इसके जो हम पराठे का आटा लेंगे तो उसको बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं लेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मोटे नहीं होते हैं, तो इसको बस मैं मीडियम साइज़ का लूँगी। और इसको हमें एक बिल्कुल पतला सा रोटी की तरह बेल लेना है। तो ये देखें मैंने इसको बेल लिया है और इसको इतना कोई नीट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसको हम फोल्ड करेंगे अभी। तो इसको एक दफ़ा और मिक्स करूँगी और इसकी फिलिंग को हम रखेंगे यहाँ सेंटर में इस तरह से। और इसके ऊपर मैं डालूँगी मोज़रेला चीज़। ये मैंने मोज़रेला चीज़ लिया है हसबे ज़रूरत, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप ना डालें, लेकिन यूजुअली काफ़ी सारे लोग इसको पसंद करते हैं तो इसलिए मैं इसके अंदर डाल रही हूँ और ये बहुत मज़े की लगती है। इस तरह से इसको सेट कर लेंगे और इसको उठा के इस तरह से हल्का सा इसको प्रेस करेंगे। और ये तैयार है। और अब मैं करूँगी अपने पैन को गरम, मैं उसको खोलना भूल गई थी फ्लेम को। तो ये देखिए पैन को मैंने गरम कर लिया है और इसके ऊपर बिल्कुल हल्का सा मैंने कर दिया है स्प्रे। और अब मैं इसको डालूँगी इसको इस तरह से, और हम इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर जो है गोल्डन ब्राउन करने तक पकाएंगे। तो ये देखिए इसको मैंने पलट दिया और कितना प्यारा सा इसके ऊपर कलर आ गया है। और इसको हम बस बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर हमने इसको सेकना है चारों तरफ से, यहाँ से भी मैं सेकूँगी इसको। और ये मैंने वही पैन यूज़ किया जिसके अंदर मैंने चिकन बनाई थी। तो बस इसको इस तरीके से पहले हमने हिलाना है क्योंकि ये बहुत मोटा है, ये इसके अंदर काफ़ी सारी फिलिंग है, तो इसको सिर्फ हमने इस तरीके से करना है। तो ये देखिए अब मैं इसको ज़रा पलटूंगी, ये देखें कितना अच्छे से इसका दूसरी तरफ भी कलर आ गया है। तो अब हमने इसको इस तरीके से रख के जो इसकी ये वाली साइड है इसको भी हम पकाएंगे और जहाँ जहाँ ऑयल है उसको बीच में ले आएंगे। बस इस तरीके से इसको 30 सेकेंड तक हम रखेंगे और देखते रहेंगे कलर आ रहा है तो फिर चेंज करके दूसरी तरफ करेंगे। तो ये देखें कितने अच्छे तरीके से ये सब तरफ से जो है वो सिक चुका है। तो अब मैं इसको निकालूंगी और एक और मैंने बनाया है वो मैं डाल दूंगी इसके अंदर। तो थोड़ा सा मैंने जो है ऑयल दोबारा से डाल दिया है और इसको इस तरह से रख दूंगी और बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको मैं इसी तरीके से दूसरा भी पका लूंगी। तो ये देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे से ये दोनों पराठे जो हैं वो मेरे बन के तैयार हो गए हैं। और अरबी पराठे जो हैं वो इसी तरीके के होते हैं, छोटे और मोटे, तो ये इसी तरीके से बनेंगे। तो आप लोगों ने इसको ज़रूर ट्राई करना है और इतने डो के अंदर जो है इस तरह से चार बन जाएंगे। तो मैं आप एक आपको कट भी करके दिखाती हूँ, बहुत गर्म हो रहा है अभी ये देखें इसकी आवाज़ आपको आ रही है कितना क्रिस्पी है ये। और बस इसको हमने जो है वो बिल्कुल लो फ्लेम पे बनाना है क्योंकि इसके अंदर हमने अंडा भी डाला हुआ है। तो ये देखें माशाल्लाह कितना अच्छा और मज़ेदार ये पराठा बना है। तो आप लोगों ने इसको ट्राई ज़रूर करना है। और ये मैं आपको थोड़ा अंदर से भी दिखाती हूँ, ये देखें ये कितना चीज़ी है, ये बहुत एक्चुअली गर्म हो रहा है अभी ये देखें। और ये बिल्कुल अच्छे से अंदर से पक चुका है, इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने बनाना है। और मुझे बताइएगा कि आप लोगों की ये रेसिपी कैसी बनी और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह एक और सिंपल और मज़ेदार रेसिपी के साथ मैं दोबारा हाज़िर होंगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।